तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में राहुल के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डटे रहेंगे। आज फिर ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ होगी। दो दिनों से 21 घंटे पूछताछ हुई थी, अब आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रहने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के रवैये का विरोध किया जाएगा, साथ ही कांग्रेस ने कार्रवाई का लगातार सीएम विरोध कर रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज दिल्ली में राहुल के साथ डटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डटे रहेंगे। खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आकांक्षा, दिल्ली में राहुल गांधी से दो दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा, तो वहीं आज फिर से पूछताछ की जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो राहुल गांधी के साथ में डटे रहेंगे। नोटिस जारी करने के पश्चात जिस प्रकार से विरोध की एक रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई गई थी, और 13 जून को देश भर में सत्याग्रह के माध्यम से ईडी और केंद्र सरकार का विरोध जताया गया था। इस दौरान हालांकि राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो पूछताछ आज भी जारी है और आज एक बार फिर राहुल गांधी से पूछताछ होगी। इन पूरे कार्यक्रमों में, यानी कि इन तमाम विरोधों की अगर हम बात करें या पूछताछ के लिए कार्यालय पहुंचने का हम जिक्र करें, तो इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी मौजूदगी दिल्ली में रही है और आज भी संभावना जताई जा रही है जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी उपस्थिति उस क्षेत्र में होगी। लगातार बीते दो दिनों से पूछताछ जारी है और अब तक से बताया भी जा रहा है कि 21 घंटों की पूछताछ हुई है। अलग अलग मामलों में ये पूछताछ उनसे जारी है और बीते दिन की कुछ घटनाक्रम भी आपने और हमने देखी है अनुपमा, चाहे वो गिरफ्तारी की बात करें, इससे गिरफ्तारी के रवैये को लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ एक टकराव भी मुख्यमंत्री की हमें देखने को मिली। और इसके अलावा लगातार न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि पूरा जो कांग्रेस है वे ईडी द्वारा किए गए कांग्रेस के कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं और ये विरोध हमें आगामी समय में भी इन तमाम प्रदर्शन के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डटे रहेंगे। बता दें कि ईडी दफ्तर में आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है।